नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में 8 जुलाई को धमतरी रुद्री बैराज धरा में विंदेश्वरी बघेल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की माता श्री की वार्षिक श्राद्ध और बौद्ध धर्म प्रचार का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ कार्यक्रम में नंद कुमार बघेल द्वारा सभा को संबोधित किया गया, जहाँ नंद कुमार बघेल द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए कार्यक्रम में हाई फाई बयान भी दिया गया। अपने बयान में नंद कुमार बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बौद्धिक हैं, अगर भूपेश बघेल बौद्ध धर्म नहीं मानते तो वे मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। नंद कुमार बघेल के बयान और बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार के बाद भाजपा जिला प्रवक्ता कविंद्र जैन का भी बयान सामने आया है, जिस पर उन्होंने कहा है कि नियम कानून को ताक पर रखकर सैकड़ों की संख्या में भीड़ इकट्ठा कर अपने बयानों से लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं नंद कुमार बघेल। धर्म प्रचार है, वार्षिक श्राद्ध के माध्यम से धर्म का प्रचार। अरे वो नाटक करता है, वो बौद्धिस्ट है। ये भूपेश बघेल अगर बौद्धिस्ट नहीं होते ना तो वो मुख्यमंत्री नहीं बनते। मैं गांधी को नहीं मानता। किस बात में? गांधी राष्ट्रपिता थे, पुत्र पिता नहीं थे। मैंने कहा कि मैं पुत्र पिता हूँ, इसलिए अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया। मैं नहीं समझता कि भाजपा जैसी राजनीतिक पार्टी को ऐसे किसी मानसिक स्तर वाले व्यक्ति के बयान पे कोई प्रतिक्रिया देनी चाहिए। उनको तवज्जो केवल इसलिए दी जा रही कि वो मुख्यमंत्री के पिताजी हैं, और इसीलिए प्रशासन भी मौन होके जो पूरी नियम कायदे कानून को ताक में रख करके ये लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, सैकड़ों लोगों को इकट्ठा करके और वायात अपने भाषणों से और लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। वो सिर्फ इसीलिए उसको बर्दाश्त किया जा रहा है क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी के पिताजी हैं। मुख्यमंत्री जी को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए, उनको स्पष्ट करना चाहिए कि वो अपने पिताजी को कितने गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बयान में ये बात कही है कि भूपेश बघेल हिंदू नहीं है, बौद्ध धर्म को मानता है, इसीलिए वो आज मुख्यमंत्री।